मुझे हो तो नथु लाल की जैसी, वरना ना हो। ये डायलॉग तो आप सबने सुना ही होगा ना। मूंछों की महिमा हमारे देश में क्या देशों में भी फैली हुई है। मूंछ चाहे महाराणा प्रताप के हो या हिटलर के, मूंछ आदमी की पहचान मानी जाती है एक तरह से। खासकर अगर आज से 30-40 साल पहले की बात करें, तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था मूंछों का होना। नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। और आज किस्सा कहानी में मैं भारती कुमारी सुना रही हूँ आप सबको अपना ही लिखा हुआ एक संस्मरण, वकील बाबा की मूछें। अपने बाबा यानी दादा की मुझे ज्यादा याद नहीं, शायद इसलिए वकील बाबा से मुझे ज्यादा जुड़ाव था। हालांकि वकील बाबा वकील नहीं थे, फिर वो वकील बाबा क्यों थे ये लंबी कहानी है। तो वकील बाबा कभी मुझे सरस्वती कहते, कभी शारदा, और जब से मुझसे लेकर उन्होंने रामचरितमानस पढ़ी तब से कभी मैथिली, कभी वैदेही, तो कभी कभी जनक नंदिनी भी कहते। बाबा पुराने जमींदार थे, मेरे गांव में उनका कामत था। कामत यानी जमींदारी, ये तो जो अस्थाई निवास बनाया जाता था उसे कामत कहते थे। तो बाबा 2-3 महीनों पर हमारे घर आ ही जाते थे। खूब गोरे लंबे और बिना मूछों के बाबा का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और रोबदार था, पर जुबान से स्नेह की वर्षा होती रहती थी। अब बाबा का सरनेम चूंकि सिंह था और उनकी मूछें नहीं थी, ये अजीब बात थी। खासकर आज से 30 साल पहले अगर किसी गांव में हम सोचें किसी इंसान की मूछें नहीं हो, किसी वयस्क की मूछें थी और उन्होंने पूरी तरह से क्लीन शेव करवा लिया, तो लोग पूछते थे कि उसके माता पिता ठीक हैं ही हैं या नहीं, क्योंकि उस समय मूछें क्लीन शेव करवाने का मतलब होता था कि आपके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, उसी वक्त तो वो किया जाता था क्लीन शेव। तो ये बड़ी अजीब बात थी, खासकर बुजुर्ग तो कम ही दिखते कि बिना मूछों के। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि मैं भी इस प्रथा से परिचित थी, और उस पर से बाबा का जो सरनेम था वो सिंह था, तो सिंह के लिए तो मूछों को खासकर उनकी ज्यादा ही पहचान होती है। तो मेरे पेट में हमेशा तितलियां उड़ती बाबा को देखकर कि बाबा की मूछें क्यों नहीं है भाई, पर डर भी लगता। अब बाबा थे लगभग 60-65 के और मैं 13 साल की, पर एक दिन माना नहीं गया, पूछ लिया, बाबा आपकी मूछें क्यों नहीं है? पर ये क्या, बाबा की हंसी ही नहीं रुक रही है। वही तो मैं सोचूं कि तुमने अब तक पूछा क्यों नहीं है। अच्छा, चलिए बताइए क्यों नहीं है मुझे। तो हुआ यूं कि आज से लगभग 55-56 वर्ष पूर्व जब हैंडपंप नहीं थे तो सारा काम कुएं के पानी से होता था। तो नहाने से पहले कोई तेल लगाते हुए कुएं पर बैठा मूछों पर ताव दे रहा था, तभी सामने से गुजरने वाले को लगा कि उसकी तो बेइज्जती हो रही है। अब मूछें तो भाई उसकी भी थी, भला कोई उसे ताव क्यों दिखाए अपने मूछों की। तो वो भी आया और अपने मूछों पर ताव देते हुए बोला, का हो हमने के मूछ दिखा बता, हमने के ना बाकी ये देखा, और वो फिर उसे दिखाते हुए अपने मूछों पर ताव देने लगा। अब दोनों ही रौबदार सिंह थे, कोई झुकने को तैयार नहीं था। जो भी बीच बचाव करने आता किसी से उलझ जाता कि किसकी मूछें ज्यादा रौबदार हैं। दोनों मूछों वाले लोग गांव वाले को अपनी साइड करने की तरफ लगे हुए थे, और इस मूछों के ताव देने की प्रक्रिया में बात इतनी बढ़ गई कि पंचायत बुलानी पड़ गई। बातचीत का कोई हल ना निकलता देख पंचों ने भविष्य की चिंता कर ये फैसला सुनाया कि आज से इस गांव में कोई मूंछ नहीं रखेगा, जिसकी है वो मुंडवाए। तो बस वैदेही, तब से मैं क्या, मेरे गांव में ही किसी की मूंछे नहीं है। बाबा की मूंछों के ना होने की कहानी सुनकर मुझे इतनी हंसी आई कि मैं रुक ही नहीं पा रही थी। और जब मेरी हंसी रुकी तो मैंने देखा कि बाबा एकटक मुझे देख के मुस्कुराए जा रहे हैं। ये संस्मरण इतना ही। अभी आप मुझसे यानी भारती कुमारी से सुन रहे थे मेरा ही लिखा हुआ संस्मरण, वकील बाबा की मूंछें। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई किस्सा कहानी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए चैनल से।